हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपनी चैनल मिक्की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ना, वो हमारे 1000 वोकैबुलरी सीरीज़ का पार्ट 9 वीडियो है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हमने पिछली वीडियो की ही तरह 20 वर्ड को सिलेक्ट किया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक वर्ड को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो मेरा पहला वर्ड है वो क्या है, पंजेंट। क्या पहला वर्ड क्या है? पंजेंट। पंजेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं, PUNGENT। पंजेंट, पंजेंट मीन्स क्या होता है? कटु या तीखा। क्या होता है? कटु या तीखा। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स होती है एक्यूट या पेंट्रेटिंग। एक्यूट या पेंट्रेटिंग, एक्यूट की स्पेलिंग होती है ACUTE, एक्यूट। और पेंट्रेटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? PENETRATING, पेंट्रेटिंग। और एक्यूट, ये किसकी सिनोनिम्स हो गए? तो ये सिनोनिम्स हो गई पंजेंट की। पंजेंट मीन्स क्या होता है? कटु या तीखा। क्या होता है? कटु या तीखा, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अकल्ट। क्या अकल्ट? अकल्ट मीन्स क्या होता है? रहस्यमय या गुप्त। रहस्यमय या गुप्त, ठीक है। अकल्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं, तो OCCULT, अकल्ट। अकल्ट मीन्स क्या होता है? रहस्यमय या गुप्त। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स होती है एम्बिगुअस या इलूसिव। क्या? एम्बिगुअस या इलूसिव। एम्बिगुअस की स्पेलिंग क्या होती है? AMBIGUOUS, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। और इलूसिव की स्पेलिंग क्या होती है? ELUSIVE, ELUSIVE, इलूसिव या एम्बिगुअस, ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स है अकल्ट की। क्या? अकल्ट की। अकल्ट मीन्स क्या होता है? रहस्यमय या गुप्त, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? प्रोपिसिएट। क्या? प्रोपिसिएट। प्रोपिसिएट की स्पेलिंग क्या होती है? PROPITIATE, प्रोपिसिएट। प्रोपिसिएट मीन्स क्या होता है? संतुष्ट करना, ठीक है ना। प्रोपिसिएट मीन्स क्या होता है? संतुष्ट करना। इसकी सिनोनिम्स है एपीज या पैसिफाई। क्या होता है? एपीज या पैसिफाई। एपीज की स्पेलिंग क्या होती है? APPEASE, APPEASE, एपीज। और पैसिफाई की स्पेलिंग क्या होती है? PACIFY, PACIFY, पैसिफाई और एपीज, ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स है प्रोपिसिएट की। किसकी? प्रोपिसिएट की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है प्रीमेच्योर। क्या? प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर की स्पेलिंग देख लेते हैं, PREMATURE, प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर मीन्स क्या होता है? असामयिक या अकाल, ठीक है ना। असामयिक या अकाल, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम्स होती है, तो सिनोनिम्स क्या होती है? प्रीसियस। सिनोनिम्स क्या है? प्रीसियस या अनटाइमली। प्रीसियस या अनटाइमली, ठीक है ना। तो ये सिनोनिम्स हो गई किसकी? प्रीमेच्योर की। यहाँ पे देखिए, अनटाइमली जो हमने लिखा है, ये आगे जगह नहीं था इसलिए इसको नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। आधा ऊपर आधा नीचे लिख दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अनटाइमली और प्रीसियस, ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? ये सिनोनिम्स है प्रीमेच्योर की। प्रीमेच्योर की स्पेलिंग हमने आपको बताया, मिस क्या होता है? असामयिक या अकाल। सिनोनिम्स हमने बताया प्रीसियस या अनटाइमली। प्रीसियस की स्पेलिंग PRECIOUS और अनटाइमली की स्पेलिंग UNTIMELY, ठीक है ना। अनटाइमली या प्रीसियस, ये सिनोनिम्स है किसका? प्रीमेच्योर का, ठीक है। प्रीमेच्योर मिस असामयिक या अकाल। चलिए देखते हैं आगे। जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? प्रीमेच्योर के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड आता है वो है ऑब्नॉक्सियस। क्या? ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस की स्पेलिंग क्या होगी? OBNOXIOUS, OBNOXIOUS, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस मीन्स क्या होगा? अप्रिय या घृणित। क्या होगा? अप्रिय या घृणित। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स होती है परनीसियस या ऑफेंसिव। क्या होता है? परनीसियस या ऑफेंसिव। परनीसियस की स्पेलिंग क्या होती है? PERNICIOUS, PERNICIOUS, परनीसियस। और ऑफेंसिव की स्पेलिंग OFFENSIVE, OFFENSIVE, ठीक है ना। ऑफेंसिव की स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में SIVE है, ठीक है ना। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, छोटा है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने छोटा यहाँ पे लिख दिया है। तो इसकी स्पेलिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों को, OFFENSIVE, ऑफेंसिव, ठीक है ना। ऑफेंसिव या परनीसियस, ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स है ऑब्नॉक्सियस की, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस की। ऑब्नॉक्सियस मीन्स क्या होता है? अप्रिय या घृणित, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेमिनेंट।
क्या? रेमनेंट। रेमनेंट मीन्स क्या होता है? अवशेष या बाकी। क्या होता है? अवशेष या बाकी। रेमनेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं, तो रेमनेंट की स्पेलिंग होती है REMNANT, REMNANT, रेमनेंट, REMNANT, रेमनेंट। रेमनेंट मीन्स अवशेष या बाकी। सिनोनिम्स है इसका रेसिड्यू या रिमाइंडर, रेसिड्यू या रिमाइंडर। रेसिड्यू की स्पेलिंग क्या होगी? RESIDUE, RESIDUE। और रिमाइंडर की स्पेलिंग क्या होगी? REMAINDER, रिमाइंडर। ठीक है ना, रिमाइंडर और रेसिड्यू ये किसकी सिनोनिम्स होगी? ये सिनोनिम्स है रेमिनेंट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? रेजेंटमेंट। ठीक है ना, क्या है? रेजेंटमेंट। रेजेंटमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? तो रेजेंटमेंट की स्पेलिंग होती है RESENTMENT, रेजेंटमेंट। रेजेंटमेंट मीन्स क्या होता है? नाराजगी या क्रोध। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स क्या होती है? डिस्प्लेजर या अर। क्या? डिस्प्लेजर या अर। डिस्प्लेजर की स्पेलिंग क्या होगी? DISPLEASURE। और अर की स्पेलिंग क्या होती है? IRE, अर या डिस्प्लेजर। ये किसकी सिनोनिम्स होगी? ये सिनोनिम्स है रेजेंटमेंट की। ठीक है, रेजेंटमेंट मीन्स क्या होता है? नाराजगी या क्रोध। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को ये वर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है स्टेन। क्या? अगला जो वर्ड है वो है स्टेन। स्टेन की स्पेलिंग क्या होगी? STAIN, स्टेन। स्टेन मीन्स होता है दाग, धब्बा या कलंक। क्या होता है? दाग, धब्बा या कलंक। इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स होती है ब्लेमिश या टर्निस। ठीक ना, ब्लेमिस या टर्निस। ब्लेमिस की स्पेलिंग क्या होगी? BLEMISH। ठीक ना, और टर्निस की स्पेलिंग क्या होगी? TARNISH, टर्निस। ब्लेमिस और टर्निस ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स है स्टेन की। किसकी? स्टेन की। स्टेन मीन्स क्या होता है? दाग, धब्बा या कलंक। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को ये वर्ड। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पूरियस। क्या? स्पूरियस। स्पूरियस की स्पेलिंग क्या होती है? तो स्पूरियस की स्पेलिंग क्या होती है? SPURIOUS, SPURIOUS, स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स क्या होता है? जाली, नकली या झूठा। क्या होता है? जाली, नकली या झूठा। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स होती है काउंटरफीट या फेक। ठीक है ना, काउंटरफीट और फेक ये किसकी सिनोनिम्स है? ये सिनोनिम्स है स्पूरियस की। स्पूरियस मीन्स क्या होता है? जाली, नकली या झूठा। ठीक है, काउंटरफिट की स्पेलिंग क्या होती है? CONTERFEIT। ठीक है, काउंटरफिट और फेक की स्पेलिंग FAKE, फेक। फेक मीन्स आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब ये जो काउंटरफिट है और फेक है ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? ये तो सिनोनिम्स है स्पूरियस की। स्पूरियस मीन्स क्या होता है? जाली, नकली या झूठा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है स्पोरेडिक। क्या? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स क्या होता है? स्पोरेडिक की स्पेलिंग पहले देख लेते हैं, SPORADIC, SPORADIC, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स क्या? कहीं कहीं या छितराया हुआ या फैला हुआ। ठीक है ना, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, कहीं कहीं या छितराया हुआ। अब इसकी सिनोनिम्स क्या होती है? तो सिनोनिम्स होती है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड की स्पेलिंग SCATTERED, स्कैटर्ड। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड की स्पेलिंग ISOLATED, ISOLATED, आइसोलेटेड या स्कैटर्ड। ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स है स्पोरेडिक का। स्पोरेडिक मीन्स होता है कहीं कहीं या छितराया हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का स्पॉन्टेनियस। क्या? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग होती है SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है? स्वाभाविक या सहज। क्या होता है? स्वाभाविक या सहज। इसकी सिनोनिम्स होती है अनइंटेंशनल। क्या होता है? अनइंटेंशनल या अनफोर्स्ड। ठीक है, तो अनइंटेंशनल की स्पेलिंग देख लेते हैं, UNINTENTIONAL, अनटेंशनल, अनइंटेंशनल। ठीक है, और अनफोर्स्ड की स्पेलिंग क्या होती है? UNFORCED, अनइंटेंशनल और अनफोर्स्ड। ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स है स्पॉन्टेनियस का। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है? स्वाभाविक या सहज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। जो अगला वर्ड है हम लोगों का वो है क्या? रेटिफाई। क्या हो? रेटिफाई। रेटिफाई की स्पेलिंग क्या होगी? RATIFY, रेटिफाई। रेटिफाई मीन्स क्या होता है? पुष्टि करना या बहाल करना। अब इसकी सिनोनिम्स क्या होती है? तो सिनोनिम्स होती है कंसेंट या इंडोर्स। कंसेंट की स्पेलिंग क्या होती है? CONSENT। क्या होता है? CONSENT, कंसेंट। और इंडोर्स की स्पेलिंग क्या होती है? ENDORSE। क्या होता है? ENDORSE, इंडोर्स या कंसेंट। ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो सिनोनिम्स है ये रेटिफाई का। रेटिफाई मीन्स पुष्टि करना या बहाल करना। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड है हम लोगों का स्टेपर। क्या स्टेपर? स्टेपर की स्पेलिंग क्या होती है? STUPOR स्टेपर। स्टेपर मीन्स क्या होता है? अचेतनता या मूर्छा। अचेतनता या मूर्छा, ये इसकी सिनोनिम जो होती है वो क्या होती है? लेदर्जी या कोमा। लेदर्जी की स्पेलिंग क्या होगी? LETHARGY लेदर्जी और कोमा COMA कोमा। ठीक है ना, वही कोमा है जो कोमा में लोग जाते हैं। ठीक है ना, वही है। इसका जो मतलब होता है वो मूर्छा होता है या अचेतनता होता है। ठीक है ना, ये किसकी सिनोनिम्स है? लेदर मतलब किस, ये सिनोनिम्स किसका है? लेदर्जी और कोमा, स्टेपर का। ठीक है ना, तो स्टेपर में अचेतनता या मूर्छा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वर्ड जो है स्टेपर के बाद वो कौन सा है? वो है रेविस। क्या रेविस? रेविस की स्पेलिंग क्या होती है? RAVISH RAVISH रेविस। रेविस मीन्स मोह लेना या मुग्ध करना। क्या होता है? मोह लेना या मुग्ध करना। इसकी सिनोनिम्स क्या होती है? कैप्टिवेट। क्या होती है? कैप्टिवेट। कैप्टिवेट की स्पेलिंग CAPTIVATE CAPTIVATE कैप्टिवेट या इनहैंड। क्या इन इनकैंड? ठीक ना, इनकैंड ENCHANT इनकैंड। इसकी स्पेलिंग है ENCHANT इनकैंड। इनकैंड की स्पेलिंग क्या है? ENCHANT इनकैंड या कैप्टिवेट। कैप्टिवेट की स्पेलिंग क्या है? CAPTIVATE कैप्टिवेट। ठीक ना, तो इनकैंड और कैप्टिवेट ये किसकी सिनोनिम्स है? रेविस की। रेविस मीन्स मोह लेना या मुग्ध करना। ठीक है, तो ये वर्ड याद हो जाएगा ना आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। जो हम लोगों का अगला वर्ड है वो है स्क्वेलिड। क्या जो अगला वर्ड है वो है स्क्वेलिड। स्क्वेलिड की स्पेलिंग SQUALID स्क्वेलिड। स्क्वेलिड मीन्स क्या होता है? मैला या घिनौना। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो डर्टी, फिल्दी या ओडियस। डर्टी, फिल्दी या ओडियस। डर्टी की स्पेलिंग DIRTY डर्टी। फिल्दी की स्पेलिंग FILTHY और ODIOUS की स्पेलिंग ODIOUS ODIOUS। ठीक है, तो डर्टी, फिल्दी, ODIOUS ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? स्क्वेलिड की। ठीक है, स्क्वेलिड मीन्स क्या होता है? मैला या घिनौना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रैंकर। क्या रैंकर? ठीक है, रैंकर मीन्स क्या होता है? द्वेष या शत्रुता। रैंकर, रैंकर की स्पेलिंग RANCOUR रैंकर। ठीक है ना, रैंकर मीन्स द्वेष या शत्रुता। अब इसकी सिनोनिम्स क्या होती है? हेटर्ड या मेलाइज। ठीक है ना, हेटर्ड या मेलाइज। हेटर्ड की स्पेलिंग HATRED हेटर्ड और मेलाइज की स्पेलिंग MALICE मेलाइज। ठीक ना, मेलाइज या हेटर्ड। ठीक है, ये किसकी सिनोनिम्स है? तो ये सिनोनिम्स है रैंकर की। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। जो हम लोगों का रैंकर के बाद जो अगला वर्ड है वो है सबवर्ट। ठीक है, क्या है ये सबवर्ट? सबवर्ट की स्पेलिंग SUBVERT SUBVERT सबवर्ट। सबवर्ट मीन्स क्या? पलट देना या उलट देना। ठीक है, अब इसकी सिनोनिम्स क्या होती है? सप्रेस या डिमोलिश। सप्रेस की स्पेलिंग SUPPRESS SUPPRESS सप्रेस और डिमोलिश की स्पेलिंग DEMOLISH DEMOLISH डिमोलिश और सप्रेस। ये किसकी सिनोनिम्स है? तो ये सिनोनिम्स है सबवर्ट की। ठीक है ना, सबवर्ट मीन्स क्या हमने बताया? पलट देना या उलट देना। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को ये वर्ड। तो चलिए देखते हैं अगला जो वर्ड है हम लोगों का सबवर्ड के बाद वो कौन सा है? तो वो है सैबी। क्या सैबी? सैबी की स्पेलिंग क्या होती है? SHABBY सैबी। सैबी मीन्स क्या होता है? जर्जर या मलिन। क्या होता है? जर्जर या मलिन। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स क्या होती है? मिजरेबल या इम्पेयर्ड। क्या होता है? मिजरेबल या इम्पेयर्ड। मिजरेबल की स्पेलिंग क्या होती है? MISERABLE मिजरेबल। और इम्पेयर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? IMPAIRED यहाँ पे देखिए ये ई है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इम्पेयर्ड और मिजरेबल ये किसकी सिनोनिम्स है? ये सिनोनिम्स है सैबी की। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। जो अगला वर्ड है हम लोगों का वो है ट्राइवियल। क्या ट्राइवियल? ट्राइवियल मीन्स क्या होता है? तुच्छ या नगण्य। ट्राइवियल की स्पेलिंग क्या होती है? TRIVIAL ट्राइवियल। ट्राइवियल मीन्स तुच्छ या नगण्य। सिनोनिम्स क्या है? ट्राइफलिंग, ट्रिफलिंग या फ्रिवलस। क्या ट्रिफलिंग या फ्रिवलस? ट्रिफलिंग की स्पेलिंग TRIFLING ट्रिफलिंग और फ्रिवलस की स्पेलिंग FRIVOLOUS फ्रिवलस या ट्रिफलिंग या किसकी सिनोनिम्स हो गई? ट्राइवियल की। ट्राइवियल मीन्स क्या होता है? तुच्छ या नगण्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट वर्ड है वो क्या है? वो है सॉसी। क्या सॉसी? सॉसी की स्पेलिंग क्या होती है? SAUCY सॉसी। सॉसी मीन्स क्या होता है? सजीव
या स्वच्छ क्या होता है, सजीव या स्वच्छ। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स होती है इम्पूडेंट या इंसोलेंट। क्या होता है इम्पूडेंट या इंसोलेंट, इम्पूडेंट की स्पेलिंग IMPUDENT, IMPUDENT, इम्पूडेंट, और इंसोलेंट की स्पेलिंग INSOLENT, INSOLENT, इंसोलेंट और इम्पूडेंट, ये किसकी सिनोनिम्स हो गए, तो ये सिनोनिम्स है सॉसी की। सॉसी मीन्स क्या होता है, सजीव या स्वच्छ, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हमने 20 वर्ड पढ़े, उन सारे 20 वर्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहला वर्ड पढ़ा वो क्या था, पंजेंट। पंजेंट मीन्स क्या हमने देखा, कटु या तीखा, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा एक्यूट या पेंट्रेटिंग। उसके बाद से हमने पढ़ा अकल्ट, ठीक है ना, अकल्ट, अकल्ट मीन्स क्या, रहस्यमय और या गुप्त, इसकी सिनोनिम्स हमने पढ़ा एम्बिगुअस या इल्यूसिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने प्रोपिसिएट, उसकी मीन्स क्या, संतुष्ट करना, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा एपीज या पैसिफाई। उसके बाद से हमने पढ़ा प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर मीन्स असामयिक या अकाल, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा प्रीसियस या अनटाइमली, ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस मीन्स अप्रिय या घृणित, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा परनीसियस या ऑफेंसिव। उसके बाद से हमने देखा रेमिनेंट, रेमिनेंट मीन्स अवशेष या बाकी, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा रेसिड्यू या रिमाइंडर। उसके बाद से देखा हमने रेजेंटमेंट, रेजेंटमेंट मीन्स नाराजगी या क्रोध, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा डिस्प्लेजर या अर, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा क्या, स्टेन, जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड आया रेजेंटमेंट के बाद वो स्टेन। स्टेन मीन्स क्या, दाग धब्बा या कलंक, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा ब्लेमिस या टार्निस। उसके बाद से स्पूरियस हमने देखा, स्पूरियस मीन्स जाली या नकली या झूठा, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा काउंटरफीट या फेक। उसके बाद से हमने देखा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मीन्स कहीं कहीं या छितराया हुआ, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा स्कैटर्ड या आइसोलेटेड। उसके बाद से हमने देखा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वाभाविक या सहज, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा अनइंटेंशनल, क्या देखा, जो सिनोनिम्स है इसका अनइंटेंशनल या अनफोर्स, ठीक है। ये किसकी सिनोनिम्स हमने देखा, स्पॉन्टेनियस की, स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या, स्वाभाविक या सहज। उसके बाद से हमने देखा रेटिफाई, रेटिफाई मीन्स पुष्टि करना या बहाल करना, इसकी सिनोनिम्स क्या देखा हमने, कंसेंट या इंडोर्स। उसके बाद से देखा स्टपर, स्टपर में सचेतनता, अचेतनता या मूर्छा, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा लेदर्जी या कोमा। उसके बाद से हमने पढ़ा रेविस, रेविस मीन्स मोह लेना या मुग्ध करना, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा कैप्टिवेट या इनहैंड इनकैंट, ठीक ना। उसके बाद से हमने देखा जो नेक्स्ट वर्ड वो था स्क्वेलिड, क्या स्क्वेलिड, स्क्वेलिड मीन्स मैला या घिनौना, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा डर्टी, फिल्दी या ऑडियस। उसके बाद से देखा रैंकर, रैंकर मीन्स क्या, द्वेष, शत्रुता, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा हेटर्ड या मेलाइस। उसके बाद से देखा सबवर्ट, सबवर्ट मीन्स पलट देना या उलट देना, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा सप्रेस या डिमोलिश। उसके बाद से हमने पढ़ा सैबी, सैबी मीन्स जर्जर या मलिन, उसके इसकी सिनोनिम्स हमने देखा मिजरेबल या इम्पेयर्ड। उसके बाद से हमने पढ़ा ट्राइवियल, ट्राइवियल मीन्स तुच्छ या नगण्य, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा ट्राइफ्लाइंग, ट्रिफलिंग या फ्रिवोलस, ट्रिफलिंग या फ्रिवोलस। उसके बाद से हमने पढ़ा जो लास्ट वर्ड वो था सॉसी, सॉसी मीन्स सजीव या स्वच्छ, इसकी सिनोनिम्स हमने देखा इम्पूडेंट या इंसोलेंट, ठीक है। तो ये हमारे 20 वर्ड कंप्लीट हुए दोस्तों आज के इस पार्ट में, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल मिकी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।